सो गाइस, मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल फोन। तो इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड टीवी या स्मार्ट बॉक्स या स्मार्ट टीवी हो, उसे आप बदल सकते हैं कंप्यूटर में, यानी कि उसमें आप चला सकते हो विंडोज 11। दोस्तों, जो लेटेस्ट वर्जन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं विंडोज 10 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसमें चला सकोगे विंडोज 11 काफ़ी अच्छी तरह से। तो दोस्तों, इसे कैसे चलाना है, और पहली बात बता दूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, मतलब आपको एक रुपये भी खर्च नहीं करना है इस चीज़ को करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बिना कोई सीपीयू कनेक्ट करे इसे चला सकोगे इजीली, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। मतलब देखा जाए काफ़ी अच्छे से, मतलब अगर आप नए हो, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो, तो अगर आपके पास एंड्रॉइड टीवी हो, तो आप इस ऐप को काफ़ी ज़्यादा यूज करना, जिसमें इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे पेंट का ऑप्शन मिल जाता है, वर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट का मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, जो कि आपको किसी कंप्यूटर में देखने को मिलती है। तो यही बात मैं पूरी वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ कि इसमें क्या होने वाला है, और भी फीचर्स हैं। बिना स्किप करे वीडियो देखना, तभी इस वीडियो समझ आएगी। उसे काफ़ी, मतलब इतना टीवी में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और कुछ लोग बार बार मुझसे मैं कमेंट करते हैं सॉरी कि इससे हटा कैसे जाए, मतलब जो आपकी विंडोज आ जाती है उससे बैक कैसे होगा। तो दोस्तों, आप सिंपली, मैंने बहुत बार इसका जवाब दे चुका है, आप केवल होम बटन प्रेस करके इसे हटा सकते हो। कोई भी विंडो जो 11 है या कोई सा विंडो है, उसे हटा सकते हो होम बटन से प्रेस करके। दोस्तों, चलते हैं अपनी एंड्रॉइड टीवी तरफ। तो चलते हैं अपनी एंड्रॉइड टीवी की तरफ। जैसे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना होगा, उसमें आपको सर्च करना होगा FXX फाइल एक्सप्लोरर, और आपको साइड लॉन्चर एक करना है, और आपको एक करना है ब्राउज़र। दोस्तों, ये तीनों चीज़ आपको करनी होंगी, मैं पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ क्लिप कट कर दिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, पहले बता दूँ मैं। अगर आपको लगे कि वीडियो तो काफ़ी थोड़ी लंबी होगी, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पर मैं कोशिश करूँगा। तो उसके बाद आपको साइड लॉन्चर भी अपना इंस्टॉल कर लेना है, अपना एक कोई सा ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है, वो वाला ब्राउज़र डाउनलोड करना जो कि डाउनलोड का ऑप्शन आप सपोर्ट करता हो। जैसे कि मैंने इसमें कर रखा है टीवी ब्राउज़र, तो यही वाला ब्राउज़र आपने टीवी में कर लेना। उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, एंड जब आप ओपन करोगे इसे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके सर्च करना होगा। आपको अपने रिमोट का जो डी पैड जो बटन है दोस्तों, उसमें जो अप वाला बटन है, वहाँ पे जो आपको वो 3 डॉट दिख रहे थे, उस पर आपको क्लिक करके आपको नीचे माउस वाली जो सेटिंग थी उस पर आपको ओके प्रेस कर लेना है, तो आपको माउस का लोगो आपको मिल जाएगा, जिसे आप मूव करके इसको ऐप को चला सकोगे। तो मूव करने के बाद दोस्तों, आप डी पैड से मूव करोगे, एंड उसके बाद आपको सर्च पर ले जाना होगा स्ट्रगल को, एंड इसे कैंसिल कर देना जो भी जो लिखा आ रहा है। तो जैसे आप कैंसिल कर लोगे, उसके बाद आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपको लिखना होगा, जो सर्च करना होगा सॉरी आपको अपनी एंड्रॉइड टीवी में। उस तो आपको थोड़ी विजिबिलिटी की थोड़ी, आप कैमरा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, आप जानते ही होंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा ना विन लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर सिम यू लिखना है। तो जब तक यार मैं इसे राइट कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एंड्रॉइड टीवी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी लगातार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं विन 7 लिखना है सॉरी, और नीचे जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा पहले नंबर पर, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब सर्च करोगे तो आपको इस तरह का शो हो जाएगा। दोस्तों, गलती से मैंने बैक कर दिया था, वो ऐप इंस्टॉल हो रहा था इसीलिए। जब आप करोगे तो आपको APK प्योर वाली जो APK प्योर वाली आपको वेबसाइट दिख रही होगी थर्ड नंबर पर सॉरी दोस्तों, आपको उस पर क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप क्लिक करोगे, तो डाउनलोड APK का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर दो। जब आप क्लिक करेंगे, तो हो सकता है दोस्तों कभी थोड़ा टाइम ले लीजिए, तो आपको बैट आपको डाउनलोड APK जो 16 MB का है सॉरी, उसे आपको डाउनलोड करना है। क्लिक करोगे ओके का बटन, ऐसे आप डाउनलोडिंग का ऑप्शन इस तरह शो हो जाएगा। इसके बाद आपको हाँ इस तरह का पॉप शो होगा, उसको आपको अलाउ कर देना होगा, परमिशंस मांग रहा है दोस्तों एक्चुअली में ये आपकी स्टोरेज की। एंड थोड़ी देर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा अपने आप ही, थोड़ी देर वेट करना होता है, बाई चांस कभी कभी नेट की वजह से भी ये शो नहीं होता जल्दी से। तो जैसा कि आप देखते हैं अपने आप ही आ गया डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो आपको डी पैड की मतलब की पैड जो होता है रिमोट में, उसकी मदद से आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर लाना होगा और क्लिक कर देना होगा डाउनलोड पर।
जब तक दोस्तों मेरा डाउनलोड होगा आप कैसे चेक करोगे, तो आपको थ्री डॉट दिख रहे होंगे, आपको क्लिक करना है एंड व्यू डाउनलोड्स का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं विंडो सीमू आपका जो हो गया है, आप इस पर ओके करके इसे इंस्टॉल कर ले एंड देन उसके बाद का जो प्रोसेसर मैं पूरा बता देता हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इसीलिए। तो आपको मैं दोबारा करके बता दूँ अगर वो समझ नहीं आ, तो व्यू डाउनलोड पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप विन 7 सीमयू पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ऐप इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। तो फिर आपको होम आना होगा एंड होम पे आने के बाद जो साइड लोड लॉन्चर हमने किया था उसे आपको ओपन कर लेना होगा। साइड लोड लॉन्चर करोगे तो आप देख सकते हो नीचे जाके आपको मिल जाएगा विन 7 सीमयू। तो आप जैसे ही आप उन ओपन करोगे इस ऐप को तो आपको इस तरह का ऑप्शन शो होगा। जब आप ब्लैक एसिस शो हो रही होगी ना दोस्तों, जब भी आप अपना ओके का बटन दबा देना। वैसे तो इसे रिमोट से भी चला सकते हैं, अगर आप माउस से यूज करोगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं तब तक यार इसमें माउस कनेक्ट करता हूँ। सो गाइस अभी मैंने माउस कनेक्ट कर लिया और मैंने बताया था जैसे तब ब्लैकनेस की आपको शो होती है तभी आपको रिमोट का ओके का बटन दबाना है। और आप देख सकते हैं आपको एडवांस वाला जो ऑप्शन था उस पर जाके बूट थीम जो ऑप्शन है उस पर जाके आपको सेलेक्ट करना होगा विंडो 11 आपको शो हो रहा होगा आई होप। एंड उसके बाद जो एग्ज़िट का ऑप्शन है उस पर जाके आपको एग्ज़िट एंड सेविंग चेंजेस पर ओके करके क्लिक करोगे तो पॉपअप शो होगा, उस पर आपको ओके कर देना होगा एंड देन आपके सामने फिर से ब्लैक एंड शो होगी। आपको अब कोई क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपकी विंडो इस समय बूट हो रही होगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इस विंडो का, आप खुद ही देख सकते हो। तो जैसे कि विंडो 11 जैसा आपको पूरी थीम में, और दोस्तों फुल स्क्रीन में चलता है, आपकी टीवी में कोई एजेस नहीं दिखाई देगा इस समय, तब चलेगा ये ऐप। तो अभी इसमें विंडो 7 अभी आपको दिख रही है, तो मैं इसको विंडो 11 कैसे करना है तो कंट्रोल पैनल जो आपको मिल जाएगा, मैं जूम करके दिखा दूँ, कंट्रोल पैनल पे आपको विंडो पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने एक और विंडो इस टाइप की शो होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैं विंडो को भी इधर से उधर कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे इस ऐप की, और इसके ऊपर हम कितनी विंडो चला सकते हैं। और इसके बाद आपको जो पर्सनलाइजेशन है उसमें जाना है, इसकी विंडो आपको फुल पे लेके आ जानी है। दोस्तों आप इसमें रिमोट से मत चलाना इसको ऐप को, आप हो सके जितना आप माउस से चला लेना, माउस इतना महंगा आता नहीं है। तो आपको आप इसमें कई सारी आपको मिल जाएंगी विंडोज़, आपको उसमें दोस्तों विंडो 3 भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अमेजिंग सी बात है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं विंडो 3 तो विंडो 11 को जो आपको नीचे वाला ऑप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड उस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होगी थोड़ी देर के लिए एंड उसके बाद आपकी जो पूरी आपकी टीवी है वो विंडो 11 में चेंज हो चुकी है। तो उसके अंदर विंडो 11 के साथ साथ इसमें कुछ फीचर्स भी हैं लाइक गेम्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी हिडन है, मैं आपको वीडियो के अंदर बताते रहूँगा ताकि आप इस वीडियो को पूरी देखें और पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ इसका यूज कर सकें इस ऐप का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर मिल जाता है, स्पिनी टूल नोट्स मिल जाते हैं और क्रोम भी मिल जाता है, कमांड प्रमोट भी मिल जाता है दोस्तों इसी छोटे से ऐप में। कमांड प्रमोट काफ़ी बढ़िया बात है, जैसे मैं पूरे ऐप दिखा दूँ आपको इसमें कितने ऐप हैं। दोस्तों आप इसमें विंडो जो कंट्रोल पैनल था मैंने इसमें खोल के दिखा दिया फिर से, आप इसमें साउंड का ऑप्शन होगा, कई सारे ऑप्शन हैं जो कि आपको मिल जाते हैं इसमें। तो आपको अभी आप देख सकते हैं आप बॉटम जो दिखा रहा था वहाँ पे आप जो जो आप यहाँ पे नीचे वाले पर करोगे अलाइन इन सेंटर तो आपका ये जो विंडो है पूरी विंडो 11 की तरह हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं मिलता, ये थोड़ी हल्की सी डिसएडवांटेज है इस ऐप की, वरना आप इसमें हर चीज़ का एक्सेस कर सकते हो, अगर आप वीडियो है या फोटो है हर चीज़ का एक्सेस आपको मिल जाता है इस वाले ऐप में। विंडो मूव करने का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसके ऊपर एक के ऊपर एक विंडो भी खोल सकते हैं और कोई लैगी फील नहीं होता। विंडो रिसाइज का भी ऑप्शन मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी काफ़ी आपको एक्सपीरियंस देता है एक
लैपटॉप या किसी कंप्यूटर की तरह। तो इसमें पहले बता दूं मैं, आप इसमें आप वर्ड टाइपिंग भी कर सकते हो उसी ऐप में, कोई भी विदाउट इंस्टॉलेशन के कोई ऐप। दोस्तों आप बाकी सारे ऐप आप देखते रहना खुद ही।